हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अर्थात मैंने अज्ञान रूपी अंधकार में जन्म लिया था। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान किए और मुझे दृष्टि प्रदान की। मैं उन गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, अर्थात गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। वैसे तो मनुष्य के ऊपर कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें कभी चुकाया नहीं जा सकता, और उनमें से ही एक है गुरु के प्रति हमारा ऋण। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। यानी गुरु वो है जो अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाए। यानी गुरु वो है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। एक सच्चे और प्रामाणिक गुरु हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से तो मुक्ति प्रदान करते ही है, परंतु वे हमें इस दावानल रूपी संसार से भी मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके चरणों का आश्रय लेकर हम इस भौतिक जगत को सरलता से पार कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें एक शिष्य ने मात्र गुरु के प्रति शरणागत होकर ही इस भव सागर को पार कर लिया हो। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा ही अवसर है जब हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विशेष दिन हमारे आदि गुरु श्रील व्यास देव को भी समर्पित है, जिन्होंने सभी वैदिक ग्रंथों की रचना की और हमारी मानव सभ्यता को वैदिक संस्कृति का ज्ञान और धरोहर प्रदान किए। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज हम विशेष रूप से उनकी पूजा आराधना करते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तत्वित्वी परिणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता पूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम करें, उनसे प्रश्न पूछें और उनकी सेवा करें। वे तत्वदर्शी ज्ञानी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है और हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। वे हमें इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करते हैं, इसलिए गुरु का हमारे जीवन में विशेष स्थान रहता है। तो चलिए आषाढ़ मास की इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर श्रील व्यास देव की जीवन कथा के कुछ अंश चुनने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में कहा गया है कि द्वापर युग में महान ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के गर्भ से परम भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार श्रील व्यास देव जी का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनके जन्म के पूर्व ही उनके पिता पराशर मुनि ने उनकी माता सत्यवती को ये भविष्यवाणी की थी कि वे एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी जो भगवान विष्णु का अंश अवतार होगा, जो एक महान तपस्वी ज्ञानी और संपूर्ण विश्व का गुरु बनेगा। वह वेदों का विभाजन करेगा और वैदिक साहित्य का निर्माण करेगा। और कुछ ही समय में उनकी ये भविष्यवाणी सत्य हुई। सत्यवती के गर्भ से एक द्वीप पर व्यास देव का जन्म हुआ। उनका वर्ण श्याम था, इसलिए उनके नाम में कृष्ण शब्द है। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए वे द्वैपायन बने। और व्यास का अर्थ है जो वेदों को विस्तार पूर्वक समझाता है। इस प्रकार उनका नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। श्री व्यास देव ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें सरलीकृत करके सामान्य मनुष्यों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने वेद उपनिषद पुराण की रचना तो कर ली, लेकिन उसमें निर्दिष्ट ज्ञान थोड़ा जटिल था और संस्कृत में होने के कारण ये ज्ञान सामान्य लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इन शास्त्रों के सार को सरल भाषा में कथा के माध्यम से महाभारत नामक ग्रंथ में संकलित किया, जिससे कि सामान्य मनुष्य भी उसे सुनकर समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। लेकिन इतने ग्रंथों का संकलन और लेखन करने के बाद भी उनका मन संतुष्ट और शांत नहीं हुआ। एक दिन वे प्रातःकाल में नदी में स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके शांत और स्थिर मन में कुछ अज्ञात उलझन थी, जैसे कुछ कमी रह गई हो, कहीं पे किसी वस्तु का अधूरापन हो, और इसी अशांति का कारण
ढूंढने का प्रयास करते हुए वे परम भगवान के श्री चरणों में समाधिस्थ थे। उस समय उनके आश्रम में उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त देवर्षि नारद मुनिया पहुंचे। ऐसी आंदोलित स्थिति में अपने आश्रय दाता आध्यात्मिक गुरु को देखकर व्यास देव जी को उसी शाता का अनुभव हुआ जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंदे पीकर चातक पक्षी को होता है। उन्होंने संपूर्ण प्रेम आदर और सत्कार के साथ अपने गुरु नारद मुनि का स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया, उनके चरण धोए और फिर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। अब जो गुरु है उनसे अपने शिष्य की मनोदशा कभी भी छिपी नहीं रह सकती, तो नारद मुनि भी समझ गए कि आज व्यास देव के मन में कुछ संशय कुछ दुविधा है। तो उन्होंने व्यास देव जी से पूछा, क्या आप वैदिक ग्रंथों का संकलन करके संतुष्ट हैं? आपने अपने ज्ञान और जिज्ञासा से परम तत्व ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। आपने चारों वेदों का यथोचित विभाजन करके उस प्रत्येक वेद को एक एक सुयोग्य आचार्य प्रदान किए हैं और अब वे संसार में उन वेदों का प्रचार कर रहे हैं। इतना महान समाज कल्याण का कार्य करने के बाद भी आपके चेहरे पर ये निराशा की किरणें क्यों छाई हुई है? नारद मुनि के वचन सुनकर व्यास देव उनके चरणों में गिर पड़े। एक बालक की तरह उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे भगवान, आपके वचन सत्य है। संपूर्ण विश्व की तत्व जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाले वैदिक वांग्मय का निर्माण करने के बाद भी मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा परम और गुह्य ज्ञान अभी भी शेष है जो अभी तक जन कल्याण के लिए उजागर नहीं हुआ है। हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप परम भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं, आप तीनों लोकों में विचरण करते हुए इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरी इस असंतुष्टि और दुविधा का कारण क्या है। व्यास देव की ये जिज्ञासा सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, आपने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा। संपूर्ण चर और अचर जगत का सर्वोपरि तत्व ज्ञान भी अधूरा है यदि उसमें परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम गुण रूप और लीलाओं का वर्णन ना किया जाए। आपने तात्विक चर्चाएं नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्रों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आपने उन आदि पुरुष गोविंद का वर्णन नहीं किया जो इस चर और अचर जगत के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर इस सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है और जहाँ से ये सारा तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र आते हैं। इसलिए अब तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें शुद्ध रूप से परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण और कार्यकलाप की चर्चा हो, जिसमें सर्वोच्च शिक्षा और अंतिम उद्देश्य भक्ति योग का वर्णन हो। इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा दी गई शिक्षाओं से व्यास देव का मन प्रसन्न हुआ और फिर जन्म हुआ एक महान ग्रंथ का जो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के लिए अमृत सागर के समान है और उसका नाम है श्रीमद् भागवतम महापुराण। ये ऐसा अमल पुराण है जो मनुष्य के सभी कलमशों को धो देता है और उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में कहा गया है, निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के दिव्य नाम रूप गुण और लीलाओं का प्रतिदिन अध्ययन करता है या श्रवण करता है तो उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे परम आध्यात्मिक सर्वोच्च गति भी प्राप्त होती है, यानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति। और ऐसे महान ग्रंथ का निर्माण किया है श्रील व्यास देव जी ने। वैदिक शास्त्रों में गुरु की सर्वोपरिता को अनेक स्थानों पर महिमा मंडित किया गया है और इस बात में कोई संशय नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणभूत संप्रदाय में आने वाले प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे भगवत भक्ति की दीक्षा लेता है तो वह इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। वर्तमान समय में बहुत सारे तथा कथित गुरु हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वे वास्तविक गुरु नहीं होते हैं। इसलिए गुरु के प्रति शरणागत होने से पहले हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि क्या वे प्रामाणिक गुरु परंपरा से आते हैं, क्या उनके स्वयं के कोई गुरु रहे हैं या फिर वे स्वयं को ही गुरु मानते हैं, क्या वे स्वयं भगवान के भक्त हैं या फिर वो अपने शिष्यों को अपनी ही भक्ति करने के लिए कहते हैं, क्या वे जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप स्वयं आचरण करते हैं या नहीं।
अर्थात क्या वे अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं या सिर्फ उपदेश देना जानते हैं, क्या वे स्वयं शास्त्रों का पालन करते हैं या नहीं। इन सभी विषयों पर विचार और संशोधन करने के बाद ही किसी को अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को गुरु कहता है लेकिन वो स्वयं ना तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता को स्वीकार करता है, ना ही उसके स्वयं के कोई गुरु हैं जो कि प्रमाणभूत गुरु परंपरा से जुड़ा है, ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान समय में ऐसे तथाकथित नकली गुरुओं से सावधान रहकर ही हमें एक वास्तविक गुरु की खोज करनी चाहिए। क्या आपके भी कोई गुरु हैं जो प्रामाणिक हो? ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को बनाने के लिए और हमारे सनातन धर्म के वैदिक ज्ञान को प्रसारित करने के अभियान में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो चलिए ऐसे ही परम तत्व गुरु की सर्वोपरिता के समक्ष आदर पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रमाणभूत दिशा का चुनाव करने हेतु एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा।